देशभर में आज से 31 मई तक लॉकडाउन रो चौथो चरण हुए शुरू। सगला सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल जैसा सार्वजनिक स्थल रहेला बंद। केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा राज्य मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए करी बैठक। कया प्रवासी मजदूर आवागमन खातर 32 खास श्रमिक रेलगाड़ियां चलावा माय करे सहयोग। प्रदेश में भी आज से 31 मई तक लॉकडाउन रो चौथो चरण हुए शुरू। मुख्यमंत्री कया श्रमिकारी परेशानी ने देखता थका चलाई जावेली श्रमिक स्पेशल बसा। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और सांसद निहाल चंद मेघवाल केंद्र सरकार का घोषित आर्थिक पैकेज नो करे स्वागत। कयो प्रधानमंत्री आर्थिक पैकेज के जरिए देश की आर्थिक स्थिति ने मजबूत करबारो करे प्रयास। प्रदेश में आज 173 नया कोरोना संक्रमित मिलबार सागे। इनरो आंकड़ो बढ़ रो 5375 इन बीमारी सो बार ताई 133 लोगारी हुई मौत। खम्मा गणिसा दूरदर्शन समाचार में आप प्रोग्राम में स्वागत है। मैं हूं आप प्रसाद के तेज बुलेटिन में खबर विस्तार से। देशभर में आज से 31 मई तक लागू चौथा लॉकडाउन रहते हैं। तो सगला सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, सभा भवन अड़ा ही दूजी ठोर भी बंद रहेली वटे खेल परिसर और स्टेडियम ने खोलबारी अनुमति दे दी गई है। पर इन माय दर्शकों ने प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। इनके अलावा सगला सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन माथे रोक भी रैली किणी भी तरह सम्मेलन और धार्मिक समारोह आयोजन प्रतिबंधित रहेलो। लेकिन लॉकडाउन के नए नियमों में कई क्षेत्रों में पहले के मुकाबले काफी छूट दी गई है ताकि कोरोना से बचाव के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी लॉकडाउन 4.0 के दिशा निर्देशों के अनुसार देश भर में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। स्कूल, मॉल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। विमान और मेट्रो ट्रेनों का परिचालन भी 31 मई तक बंद रहेगा। फैसले का ज्यादा अधिकार होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम पहले की तरह ही जारी रहेंगे। और किन किन चीजों पर पूरे देश में जारी रहेगी पाबंदी, वहीं स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। होटल और रेस्टोरेंट भी इस दौरान बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, मॉल और जिम भी पहले की तरह ही बंद रहेंगे। तमाम धार्मिक गतिविधियां और पूजा स्थल भी इस दौरान नहीं खुलेंगे। सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समारोह पर भी रोक रहेगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजाही पर रोक रहेगी। केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा काल रात राज्य मुख्य सचिव साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करी। वहां अधिकारियों से अनुरोध कराया कि प्रवासी मजदूर आवागमन खातर सुगम बनावा खातर 32 खास श्रमिक रेलगाड़ियां चलावा में सहयोग देवे। बैठक में मौजूद रेलवे बोर्ड रा अध्यक्ष भरोसा दिलायो कि अगर राज्य से जल्दी मंजूरी मिल जाए है तो विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएगी। राज्य से अनुरोध करो गयो है कि कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और कुशलता खातर जिम्मेदार बनाया जावे। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों से अनुरोध किया कि ज्यादा से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने में सहयोग करें ताकि प्रवासी मजदूरों की आवाजाही को सुगम बनाया जा सके। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने भी कहा कि अगर राज्य तुरंत मंजूरी दे दें तो ज्यादा ट्रेनें चलाई जा सकेंगी। राज्य सरकारों से ये अनुरोध किया गया है कि प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और सेहत के लिए जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को जिम्मेदार ठहराया जाए। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जो भी पैदल चलते पाया जाए उन्हें कैंपों तक पहुंचाया जाए और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की जाए। प्रदेश में भी लॉकडाउन ने आज से 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहे कि केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक ही राज्य में भी 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ावा रो निर्णय लियो गयो है। इन सारू आज गाइडलाइन जारी करी जाएगी। मुख्यमंत्री कहे कि राज्य सरकार श्रमिकों की परेशानी ने देखता तक श्रमिक स्पेशल बसा चलावेली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये भी कहे कि राज्य सरकार वह हर संभव प्रयास करेली जिन से भर्तियां टाइम माथे पूरी हो और अभ्यर्थी ने नियुक्ति खातिर इंतजार नहीं करना पड़े। वणा कहे कि जो भर्तियां न्यायालय में लंबित है उन माए प्रभावी पैरवी करे एडा प्रयास करे जिन से वे फिर से शुरू हो सके। मुख्यमंत्री काल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई विभागों में प्रक्रियाधीन भर्तियां की भी समीक्षा करी है।
देशभर में कोरोना संक्रमण का बढ़ता मामला देखता हुआ केंद्र सरकार लॉकडाउन ने 31 मई तक बढ़ा दियो है। हालांकि राज्य सरकार ने यह सहूलियत दी गई है कि वो आपरे अनुसार छूट रो दायरो बढ़ा सके। एड़ा माए प्रदेश रा लोगों ने अब लॉकडाउन 4 रे तहत जारी होने वाली राज्य सरकार की गाइडलाइन रो इंतजार है। केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया है। हालांकि राज्य सरकारों को ये सहूलियत दी गई है कि वो अपने अनुसार दुकानदारों को कुछ छूट दे सकते हैं। हम इस समय जयपुर में प्रमुख बाज़ार बरकत नगर में खड़े हैं। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कुछ परचूनी की दुकान, किराना स्टोर है, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। लेकिन अभी भी कुछ दुकानें ऐसी हैं जिसमें रेडीमेड गारमेंट्स है और जो है गिफ्ट कॉर्नर हैं, होटल्स हैं, ऐसी कई चीज़ें हैं जो जिनकी दुकानें अभी यहाँ बंद हैं। हमारे साथ आल राजस्थान दुकानदार महासंघ के जिला अध्यक्ष सुरेश सैनी मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि वो राजस्थान की सरकार से नई गाइडलाइन में किस तरह का जो है छूट चाहते हैं। देखिए, जिस तौर पर लॉकडाउन 4 स्टार्ट हो गया है और सुविधाएं मिली है, अगर आज देखा जाए तो ट्रैफिक भी चलता हुआ दिख रहा है। उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से गाइडलाइन मिले, जिसमें कि कई दिनों से इंतजार है। ज्वेलरी की दुकानें भी हैं, कपड़े की दुकानें भी हैं, ज़रूरतमंद के सामान जो आम समय को देखते हुए, क्योंकि शादियों का भी कुछ सीजन्स नज़र आ रहा है, और हम ये चाहते हैं सरकार से कि गाइडलाइन के अंदर इन दुकानों को भी छूट दे सके, जिससे कि ये महामारी कोरोना वायरस बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, लेकिन उसके साथ जीना व्यापारियों को भी पड़ेगा, दुकानदारों को भी पड़ेगा और ग्राहकों को भी करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि किसी तरह से भी इस बाज़ार को चालू करने की छूट राज्य सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए, जिससे कि कारोबार वापस चालू कर सकें। तो ये थे व्यापार संघ से जुड़े हुए पदाधिकारी, जिनका ये कहना है कि राजस्थान की सरकार जो लॉकडाउन 4 को लेकर नई गाइडलाइन जारी करे, उसमें छूट का दायरा और ज़्यादा बढ़ाए। जयपुर से मनीष कुमार शर्मा, DD न्यूज़। प्रतिपक्ष रा नेता गुलाबचंद कटारिया प्रधानमंत्री कानी सुजारी आत्मनिर्भर भारत अभियान रे तहत 20 लाख करोड़ रुपया रा आर्थिक पैकेज की घोषणा रो स्वागत करियो है। उन्होंने कहा कि इन पैकेज में 8 करोड़ प्रवासियों ने कवर करबा रो प्रयास करियो जा रहा है। सबसे पहले अगर किसी को कवर करने का प्रयास किया तो वो 8 करोड़ प्रवासी जो हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने में जा रहे हैं, कुछ पहुंच गए, कुछ रस्ते में हैं, उनको 2 महीने का PDS का अनाज मुफ्त देकर के उनको जो राहत पहुंचाने की कोशिश की। इस में नरेगा के अंदर गाँव में मजदूरी को देने के लिए 40,000 करोड़ रुपया जो अतिरिक्त दिया नरेगा में, जिसके कारण से इन लोगों को रोजगार मिल सकेगा, ये अपना काम कर सकेंगे। एक देश एक राशन कार्ड के तहत अब तक हिंदुस्तान में 67 करोड़ लोग PDS के तहत कवर हो रहे थे। अब इसमें 100% लोगों को कवर करने की जो घोषणा की है, विशेष करके जो अपना ठेला लगाकर गली में कहीं धंधा करते हैं छोटा मोटा, ऐसे 30 लाख लोगों को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनको आर्थिक मदद करके उनके जीवन को अच्छा बनाने की इस पैकेज में घोषणा है। विशेष करके किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 2 लाख करोड़ रुपये का हिंदुस्तान के किसानों को ऋण दे करके उनको मजबूती से खड़ा कर देश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से जो प्रयास इसमें हुआ है, क्या उचित नहीं? मुझे लगता है कि आप केवल एक इतना आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता के सामने विषय रखा, ऐसे समय में भी उसकी कमियां निकालना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं सुजारी कराया गया 20 लाख करोड़ रुपया रा पैकेज रो सांसद निहाल चंद मेघवाल भी स्वागत कराया है। वणा कहा कि इन आर्थिक पैकेज रे जरिए प्रधानमंत्री देश री आर्थिक स्थिति ने मजबूत करबारो प्रयास कर रहा है। इन रे अलावा हर वर्ग रा लोगों ने इन माए शामिल कर वणा ने मजबूत करबारी कोशिश करी गई है। 8 करोड़ जो प्रवासी मजदूर है उनके लिए 3,500 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान इसमें किया है। किसान के लिए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 29,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किसान के लिए किया है, और जो मजदूरों की दिहाड़ी होती थी, जो 182 रुपए दिहाड़ी होती थी, वो दिहाड़ी अब 202 रुपए देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है। एक साल के अंदर एक बार प्रत्येक मजदूर को उसका फ्री चेकअप हो, इसका प्रावधान भी देश के प्रधानमंत्री जी ने इस राशि में किया है।
और मैं समझता हूँ कि यह देश, यह राशि देश के किसानों के लिए, देश के प्रवासी मजदूरों के लिए, देश के सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए एक बहुत बड़ी राशि है। इसका बेनिफिट हम सबको और गांव के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को मिलेगा। केंद्र सरकार कारण इस घोषित कराया गया 20 लाख करोड़ रुपये आर्थिक पैकेज रो प्रदेश व्यापारिक संगठन स्वागत कराया है। एम्प्लॉयज एसोसिएशन रा अध्यक्ष एन के जैन रो कहना है कि केंद्र सरकार मनरेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पीएसयू एर एमएसएमई से जुड़ी कई आर्थिक घोषणा करी है जिनसु देश की अर्थव्यवस्था ने फिर से गति मिलेगी। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐलान किया है, निश्चित रूप से इतना बड़ा ऐलान कि शायद किसी आर्थिक विशेषज्ञ को उम्मीद भी नहीं थी कि इतना बड़ा ऐलान हो जाएगा। 20 लाख करोड़ का पैकेज मिलेगा उद्योग जगत और व्यापार जगत के लिए, और फिर जिस तरह से उसका विवरण पूरा 4-5 दिन तक लगातार वित्त मंत्री जी ने दिया, और जिस तरह से खास करके एमएसएमई इंडस्ट्रीज को फोकस करते हुए दिया, बैंकों को आदेश दिया कि उनको पैसा दिया जाए, एमएसएमई को पूरे पैकेज दिए उन्होंने, किस किस तरह से उनको मदद मिलेगी उसका सारा उन्होंने विवरण दिया है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो एमएसएमई विकास की धारा से बाहर हो गई थी, जो स्ट्रेस्ड एमएसएमई थी, जो एनपीए हो चुके थे, उनके लिए शायद आज तक किसी वित्त मंत्री या किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा। केंद्र सरकार का नीचे जारी आर्थिक पैकेज में पीएम ई विद्या प्रोग्राम की शुरुआत करवा न्यारा न्यारा शिक्षा जगत से जुड़े लोग स्वागत करो है। वारो कहना है कि केंद्र सरकार रो यो कदम कोरोना जैसी महामारी में विद्यार्थियों की पढ़ाई ने जारी रखवा खातिर कारगर साबित हो। इंटर साहित्य कक्षा 1 से 12 तक खातर चैनल लॉन्च करवा कदम भी सराहनीय बताया। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप अपन देखें, जैसे कल प्रधानमंत्री जी ने भी कई घोषणा की हैं, उन्होंने घोषणा किया कि 1 से 12 तक के बच्चों को हम एक अलग चैनल बनाएंगे, उस चैनल के थ्रू हम ऑनलाइन क्लास देंगे। ये तो बहुत सकारात्मक सोच है, इट इज़ वेरी पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव है। वित्त मंत्री ने बोला प्रधानमंत्री ई विद्या बहुत ही सकारात्मक कदम है, बहुत पॉजिटिव स्टेप है। ई विद्या से क्या होगा, खासकर जो देश में जितने भी सरकारी विद्यार्थी स्कूल के विद्यार्थी हैं, जो गांव में हैं, जो रूरल एरियाज में हैं, जहाँ पे पब्लिक स्कूल नहीं पहुँच सकते, उसको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसमें आपको सारा मटेरियल, चाहे वो एनसीईआरटी का सिलेबस हो, चाहे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन है, एनसीएफ को इन्होंने रिवाइज करने की कोशिश की है, और ये कुछ कंटेंट उसमें रिवाइज भी कर रहे हैं, वो कंटेंट वो हर बच्चे के पास पहुँचेगा, हर बच्चे की पहुँच में होगा, और उसकी कोई कीमत नहीं होगी, जो सरकार की तरफ से है तो बिल्कुल एक निशुल्क कार्य होगा। मैं बधाई देना चाहूंगी हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को उनके अत्यंत सराहनीय कदम के लिए, जिसमें उन्होंने कल डिक्लेयर किया प्रधानमंत्री ई विद्या पोर्टल, जिसमें 1 से 12 तक की सभी पुस्तकों की बार कोडिंग करके बच्चों के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी, और बच्चे डिफरेंट डिफरेंट चैनलों के द्वारा उनको देख सकेंगे, अपने सभी डाउट्स क्लियर कर सकेंगे। डिस्टेंस एजुकेशन की फील्ड में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। प्रदेश में 12,372 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज रे पाछे स्वस्थ हो चुका है। इनमें से 2,718 ने अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह बताया कि आज प्रदेश में 173 नया संक्रमित मरीज सामने आया। इनमें डूंगरपुर में 64, जयपुर और भीलवाड़ा में 22, उदयपुर में 15, बाड़मेर में 10, बीकानेर में 6, दौसा में 5, बांसवाड़ा पाली और सीकर में 4, धौलपुर में 3, कोटा नागौर राजसमंद में 2, चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू में 1 पॉजिटिव मिलो है। इंद्रस आ गई प्रदेश में यारों आंकड़ों बढ़ 5,375 माथे पुग गयो है। वणा बताया कि प्रदेश में अबार ताई इन बीमारी से 133 लोगों की मौत हो गई है। सीकर जिला में प्रवासियों ने आबार साध गई, कोरोना संक्रमण का मामला बढ़वा लग गया है। इन चलता आज 4 और कोरोना संक्रमित मरीज मिलवा सर गई, यारो आंकड़ों बढ़ 42 हो गया है। इनमें 31 मरीज प्रवासी मजदूर है। कुल 12 पॉजिटिव केसेज आए हैं, और इनको मिलाकर अब तक 39 कोविड पॉजिटिव केस हो चुके हैं। पिछले 3-4 दिन में जिस तेज गति से और ज़्यादातर सीकर जिले के एरिया को कवर करते हुए कैसे जाए हैं,
वो निश्चित रूप से हमें और सतर्क करने की ओर इशारा कर रहे हैं। और ज़्यादातर केसेज जो है आउट ऑफ स्टेट से आए हुए व्यक्ति हैं, और ये एक तरह से उनका फर्स्ट लेवल है, क्योंकि ये व्यक्ति जो वहाँ से, चाहे सूरत से आया है या महाराष्ट्र से आया है, गुजरात के अन्य क्षेत्रों से आए हैं, तो उनको होम क्वारंटाइन किया गया था, उनके सैंपल लिए गए थे, ये और वही सारे पॉजिटिव निकल रहे हैं। कोरोना महामारी से लड़वा योद्धा ने उत्साहवर्धन करने खातिर प्रधानमंत्री मोदी भी वाने पत्र लिखकर आभार जताया है। इनी कड़ी में जोधपुर रा लाल बूंद जिंदगी संस्था रा संचालक डॉक्टर नगेंद्र शर्मा और रजत गौड़ ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री वैश्विक महामारी में वणा रा सेवा कार्य की प्रशंसा करी है। देखिए, हमारी एक संस्था है जिसका नाम है लाल बूंद जिंदगी संस्था। पिछले करीबन 5 साल से हम लगातार इस विषय पे काम कर रहे थे कि जोधपुर के अंदर किसी भी मरीज को खून की कमी से उसकी ज़िंदगी पर परेशानी पैदा हो जाए, ऐसा हम काम नहीं होने देंगे। इससे किसी भी मरीज को किसी भी अस्पताल, सरकारी अस्पताल, इवन प्राइवेट अस्पताल में भी मरीजों को खून की कमी इस दौरान नहीं आई। केवल कोविड के नहीं है, कैंसर पेशेंट्स को ब्लड हर 15-20 दिन में चढ़ाना होता है, तो करीबन 20-25 मरीज जो ब्लड कैंसर के पेशेंट हैं, दूसरे कैंसर के पेशेंट हैं जिनको प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, उनको भी हमने बराबर प्लेटलेट, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स हैं, उनकी सप्लाई बराबर जारी रखी। हमारी संस्थान को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। हमारी संस्थान को बहुत खुशी की लहर दौड़ी और सभी रक्तदाताओं को मोटिवेट हुए। हमारी संस्थान जब से कोरोना की ये लॉकडाउन हुआ तभी से मिनी कैंपों का आयोजन करके चिकित्सा विभाग की जो एडवाइजरी दी उसका ध्यान रखते हुए कैंप का आयोजन किया। जयपुर झालाना डूंगरी खेतों में आज कोरोना वॉरियर्स रो सम्मान करो गयो। इन दौरान स्वास्थ्यकर्मी, नगर निगम रा कर्मचारी, पुलिसकर्मी और समाचार पत्र वितरकारों साफो और फूल मालाओं से सम्मान करो गयो। इन दौरान सोशल डिस्टेंसिंग रो भी खास ध्यान रखो गयो। और आज मैंने जितने भी कोरोना वॉलंटियर्स हैं उनका सम्मान है, जिसमें मेडिकल टीम है, पुलिस प्रशासन है और अपने सफाई कर्मचारी हैं, नगर निगम अधिकारी हैं, जितने भी लोग हैं जो कोरोना के लिए मेरे साथ खड़े हैं उनके लिए मैं ये सारा प्रयास कर रहा हूं और सभी को अच्छा सम्मान के साथ सारा काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकारी अस्पताल में जन्म लेवा वाली नवजात बालिका ने निःशुल्क दिया जा वाला इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम री आज जयपुर में शुरुआत करी। मुख्यमंत्री जनाना अस्पताल से आई दो प्रसूता सोनम एस मीनाक्षी री नवजात बालिका ने पिंक कलर किट सौंपया। इन मौके चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहा। आज विश्व संग्रहालय दिवस है। हालांकि कोरोना महामारी रे चलता प्रदेश रा सगड़ा स्मारक और संग्रहालय में पर्यटकारी आवाजाही नहीं हो रही। इन दौरान सोशल मीडिया रे जरिए ही पर्यटकों ने प्रदेश री समृद्ध विरासत रा बारे में बताया जा रही है। जयपुर अल्बर्ट हॉल रा अधीक्षक डॉक्टर राकेश चोलक बताया कि इन बार सोशल मीडिया पेज माथे ऑनलाइन प्रदर्शन रे जरिए संग्रहालय से जुड़े पोस्ट कर पर्यटकों ने जानकारी दी जा रही है। दिवस के अवसर पर और साल जहां हजारों की संख्या में पर्यटक यहाँ आते थे, आज कोरोना वायरस की वजह से मोनोमेंट और म्यूजियम लोगों के लिए बंद है, पर्यटकों के लिए बंद है, तो हमने इसका एक वर्चुअल टूर बनाया 7.25 मिनट का और उसको अल्बर्ट हॉल के फेसबुक पेज पर और डिपार्टमेंट के फेसबुक पेज पर अपलोड किया है ताकि लोग इसको जान सकें, समझ सकें और इसका अवलोकन कर सकें। उस वर्चुअल टूर में न केवल बिल्डिंग के निर्माण के बारे में जानकारी है बल्कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है और लोग उसको विजिट कर सकते हैं। अल्बर्ट हॉल जयपुर फेसबुक पेज है, उस पर जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा जो पिछले 2 महीने से अल्बर्ट हॉल की लाइटिंग बंद पड़ी हुई थी, आज हमने उसको वापस शुरू करने का निर्णय लिया है। शाम को जो इसमें रंग बिरंगी रोशनी होती थी भवन में, वो आज से फिर शुरू करेंगे और रोज़ाना करीब 2 घंटे लाइट अब हम जलाएँगे ताकि लोगों में एक सकारात्मक संदेश जाए। आज हम खड़े हैं अल्बर्ट हॉल पर। कभी पर्यटकों की आवाजाही से भरा रहता था ये अल्बर्ट हॉल, लेकिन जब से कोरोना महामारी आई है और लॉकडाउन लगा है एक भी पर्यटक यहाँ नहीं आया है और अभी अपने अतीत से कह रहा है कि कब लॉकडाउन ख़त्म होगा और कब पर्यटक मेरे दीदार करने आएंगे। कमल योगी, DD News, जयपुर।
किसाना खातर केंद्र सरकार का निशु किसान क्रेडिट कार्ड री सुविधा दी जा रही है। इन योजना रे तहत जयपुर रबस्सी मोहनपुरा में भी बैंक का निशु किसाना ने आसानी से ऋण मुहैया कराया जा रहा है। लॉकडाउन रे चलता सरकार अब किसान क्रेडिट कार्ड रा ऋण री सीमा बढ़ा देनी है। इनसु अब किसाना ने आप री खेती रो काम करवा खाद बीज खरीद में मदद मिलेगी। बैंक के द्वारा जो है किसानों को कुछ घोषणाएं शुरू की गई थी, जिसके तहत हमारी शाखा ने अभी तक 60 किसानों को लाभान्वित कर चुके हैं, जिसमें अमूमन 19 लाख की राशि हम स्वीकृत कर चुके हैं। और हमारा लक्ष्य अधिक से अधिक किसानों को इस योजना के अंदर बिना किसी परेशानी के, बिना किसी कठिनाई के लाभान्वित करने का है। जो ये बड़ौदा बैंक मोहनपुरा ने अभी ये स्कीम चला रखी है लोन देने की, इससे किसानों को काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि जुताई बुआई के लिए किसानों के पास पैसा नहीं है और ये पैसा बहुत आवश्यक जरूरी है। जो गवर्नमेंट ने ये फायदा दिया है, इससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से किसान क्रेडिट कार्ड पे जो लोन मिल रहा है, उससे हमें अभी इस लॉकडाउन के समय बहुत आर्थिक सहायता मिली है। किसान क्रेडिट कार्ड पे बिना किसी झंझट से, बिना उससे लोन मिल गया और आते ही पैसा दे दिया, किसी की जरूरत नहीं पड़ी और हमारे को सुविधा मिल गई बाजरा बाने के लिए, किसी भी फसल के लिए। देशभर में जारी लॉकडाउन रे चलता कोटा में प्रवासी मजदूरों खातिर अस्थायी शेल्टर होम री व्यवस्था करी गई है। अठे याने भोजन पानी सहित दूजी सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। बठई कोरोना संक्रमण ने देखता अठे चिकित्सा विभाग री टीम में बुलार श्रमिकारी स्क्रीनिंग भी करवाई जा रही है। इन रे पाछे राज्य सरकार रा दिशा निर्देशानुसार बसा में बैठा या श्रमिका ने आपरी गंतव्य ठोर खातिर रवाना कर जा रो है। बांसवाड़ जिला रा शहरी खेतर में ग्रामीण खेतारा लॉकडाउन की सख्ती से पालना करी जा रही है। इन दौरान ये लोग जरूरी काम होबा माथे घर से बाहर निकल रहा है, खेती रो काम करता है या ग्रामीण सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी कर रहा है, साथ ही सैनिटाइजर और मास्क रो उपयोग भी करता दिख रहा है। एफसीआई गोडाउन में डिस्टेंसिंग को मैनेज करना, इन सभी कामों को पिछले 14 अप्रैल से हमारी यूनिट के 30 कैडेट देख रहे हैं। जो रूल्स है, जैसे कि दूरी बनाए रखना है और 5 मीटर की जो एक दूरी है, उसके साथ हमारे आंखें, नाक और मुंह उसको कवर अप करके रखना है, और जो जिसको खांसी जुकाम है उनसे दूरी बना के रखनी है और उनका ख्याल रखना है। डूंगरपुर जिला में मनरेगा योजना श्रमिका खातर कोरोना रा संकट काल में घनी संबल प्रदान कर रही है। इन रतेत बारे सु आया प्रवासी मजदूरों ने काम दियो जा रहे है। अबार तई इन योजना में हजारों री तादाद में बेरोजगारों ने काम दियो गयो है। जिला कलेक्टर पंचायती राज विभाग रा अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि वे 32 श्रमिका ने काम देर वणा ने लाभान्वित करे। वहाँ काम रे दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर रो उपयोग कर बारा निर्देश भी दिया। नरेगा के तहत जो कार्य हमारे ग्राम पंचायत में हो रहा है, उसमें मेट द्वारा बहुत अच्छे लेबर को सूचित किया जा रहा है कि कोरोना की इस महामारी में कैसे नियमों का पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजर, मास्क आदि वगैरह हर नियम का पालन हो रहा है। ये राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के तहत हमें जो काम मिला है और हम सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए काम कर रहे हैं, समय समय पर सैनिटाइज का उपयोग करते हैं। सरकार ने काम दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद है। यहाँ पर सब मास्क लगा करके काम कर रहे हैं और सब दूरी बनाए रखी है मैंने, और सब मैं बराबर सबकी हाजिरी भी ले रही हूँ। झुंझुनू जिला में भी मनरेगा रे तहत स्थानीय और प्रवासी मजदूरों ने काम दियो जा रहे है। हालांकि इन दौरान कोरोना वायरस रा संक्रमण ने देखता थका सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना करवाई जा रही है। बटे ही काम रे दौरान मास्क और सैनिटाइजर रो जरूरी रूप से भी उपयोग करो जा रहे है। जिला परिषद रा मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास जाट बतायो कि जिला में आबाड़ा टेम में करीब 30,000 मजदूरों ने इन योजना रे तहत काम दियो जा लो। 15-20 दिनों के दौरान लेबर को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने के लिए हमने प्रयास किए और उसमें पिछले साल इस तारीख को 22,000 लेबर लगी हुई थी, आज की तारीख में हमारे यहाँ पर 25,000 लेबर लगी हुई है। और जितने भी लोग बाहर जा रहे हैं जो बेरोजगार हो चुके हैं कोरोना के कारण, उन लोगों को प्राथमिकता देते हुए हमारा टारगेट है कि हमें अगले एक सप्ताह के अंदर 30,000 लेबर एंगेज करेंगे और वो काम में जो निजी काम जो ज़्यादा है उन पर लगाएंगे और जो आगे प्रसाद को देखते हुए जो उपयोगी काम है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लेबर एंगेज करेंगे।
सरकार द्वारा नरेगा कार्यों को फिर से चालू करके लोगों को बहुत राहत मिली है। नरेगा की मजदूरी आ रही है टाइम पर और जिस हमारे आराम से चल रही है। नरेगा में काम चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। मास्क लगा के काम करा, हाँ बढ़िया काम चल रहा है। और सरकार ने लॉकडाउन के चलते नरेगा का काम चालू करने से गरीब परिवारों को बहुत राहत मिली है, जिससे लोग अपने काम पर आते हैं और परिवार का पालन पोषण करते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, सभी मास्क लगाकर 6 फीट की दूरी पर अपना काम करते हैं। भीलवाड़ा जिला में लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों ने मनरेगा योजना के जरिए रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। केंद्र राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला में अब तीन 2,76,000 लोगों ने रोजगार दिया जा चुके। जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपाल राम बिरदा बताया कि 1200 आबाड़ा श्रमिकों ने वारा क्वारंटाइन रो टेम खत्म हो बारे पाछे मनरेगा रो काम दिया जा रहा है। और सभी जगह हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं। जब बाहर से पलायन होकर बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो काम की ज़रूरत है, तो जो ही उनका क्वारंटीन पीरियड ख़त्म हो रहा है तो हम उन परिवारों को भी रोजगार दे रहे हैं। सरकार के अनुसार हमारे नरेगा श्रमिकों को ये ग्राम पंचायत बालेसरा में ये पायरा गाँव किस सरकारी चरागाह में नई नाडी निर्माण पायरा है, यहाँ पर 252 श्रमिकों का मेस्टोल जारी है और ये श्रमिकों को प्रॉपर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए यहाँ रोजगार दिया जा रहा है। और इनको 6 बजे से 2 बजे का टाइम है, सब छाया पानी सरकार की ओर से बहुत ही अच्छा इनको सुविधा मिल रही है और इनको रोजगार अच्छा मिल रहा है। इनके परिवार में जो मुखिया फैक्ट्रियों में जाता है वो बंद हो गए और ये कमाई के उनको खर्चा इनका परिवार भरण पोषण कर रही है। 6 बजे आवा अड्डा 1 बजे जावा, मैंने सही काम मिल रहा मन एंड पानी की सुविधा ही है, छाया की सुविधा ही है मानने एंड मांग अगर काम न फिर गिरिया घर का वाला अड्डे सही पैसा मिल रहा मानने। हमारी लेबर का 6 बजे का टाइम है और 6 से 1 बजे तक यहीं रहते हैं और हम मिस्टॉल के पहले दिन ही सारा इकट्ठा काम एक दिन दे देते हैं। 40 फीट गारा देते हैं, ये पूरा गारा सब लेबर डालती है और हम हाजिरी रोज टाइम से लेते हैं। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सकला समाचार आप महका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे भी देख सको हो और खबर अपडेट खातिर महका ट्विटर हैंडल @DDNewsRajasthan ने फॉलो भी कर सको हो। चलता चलता एक बार फिर हूँ मोटोड़ी खबर। देशभर में आज 31 मई तक लॉकडाउन रो चौथो चरण भी शुरू। सकला सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल जैसा सार्वजनिक स्थल रहेगा बंद। केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा राज्य और मुख्य सचिवों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करी बैठक। कया प्रवासी मजदूरों के आवागमन खातर 32 खास श्रमिक रेलगाड़ियां चलावा माय करे सहयोग। प्रदेश में भी आज 31 मई तक लॉकडाउन रो चौथो चरण हुयो शुरू। मुख्यमंत्री कयो श्रमिकारी प्रेशर ने देखता थका चलाई जावेली श्रमिक स्पेशल बसा। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और सांसद निहाल चंद मेघवाल केंद्र सरकार का सुघोषित आर्थिक पैकेज रो करे स्वागत। कया प्रधानमंत्री आर्थिक पैकेज के जरिए देश री आर्थिक स्थिति ने मजबूत करबारो कर रहे प्रयास। प्रदेश में आज 173 नया कोरोना संक्रमित मिलवा रहे सागे, इन रो आंकड़ो बढ़ रहे 5375। इन बीमारी से बाहर तई 133 लोग आ रही कई जान। अब आगे बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।